हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते थे, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है आज के डेट में इतने बड़े होने के बाद कि हम भी अपने मम्मी और पापा को ना हर एक सुख दें जो बचपन में उन्होंने हमको दिया है, हर एक कष्ट सहकर। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को आप दबा देना ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपके फ़ोन में अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम से आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं सक्सेस की 98 सर्च करने के बाद। और आप किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन पर हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, ठीक है। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, 349 वाला, तो पूरे एक साल तक जो जो एग्ज़ाम आप देंगे हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट कम से कम 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले अपने आप को आप सभी जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे हम सभी 16 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ। और पहला प्रश्न है, आप सभी को पता है ना 3 मई तक जो है वो लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन जब लॉकडाउन का घोषणा हुआ था डेट बढ़ाने का, उस दिन कुछ और बात भी बोला गया था कि मान लो अगर लॉकडाउन तो 3 मई तक तो होगा ही होगा, अगर कुछ जगह जो है वो सुधार देखा गया, अगर कोविड-19 के केसों में कमी आने लगी और सुधार जल्दी से होने लगा, तो उस जिले को, उस जगह को जो है वो दोबारा से खोलने पर विचार किया जा सकता है कुछ नियमों के आधार पर। तो वो डेट कब रखा गया है? वो डेट रखा गया है 20 अप्रैल के बाद सरकार सोच सकती है। ऐसे भी बहुत सारे जिले हैं जहां पर कोविड-19 के केस जो है वो ना के बराबर आ रहा है, तो उस जिले को दोबारा खोला जा सकता है। क्योंकि अगर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और पड़ेगा बुरी तरह। जैसे आप एग्जांपल ले लो केरला का, केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर कोविड-19 के केस स्टार्टिंग में बहुत तेजी से आ रहे थे, जहां पर बहुत सारे राज्य में ना के बराबर थे, लेकिन केरला का नाम था स्टार्टिंग में। लेकिन आज के डेट में वहां पर 350 से 400 ही केस है, उसमें भी 280-290 जो केस है वो रिकवर्ड हो गए, वो ठीक हो गए, समझ रहे हैं। यानी वहां पर केसेस बढ़ नहीं रहे, पिछले 24 घंटे की बात करूं तो मात्र एक केस बढ़ा है। तो केरला जैसा नियम सब जगह लागू होना चाहिए, वहां की सरकार की तारीफ आप सभी को करना चाहिए पॉलिटिक्स को साइड में रखकर, ठीक है। तो वो डेट कौन सा है? 20 अप्रैल है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंट्री ने, किस राष्ट्र ने भारत को हार्पून मिसाइल और कौन सा और टॉर्पेडोस की बिक्री को मंजूरी दे दी है, यानी भारत को वो कौन बेचेगा? तो वो बेचेगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 13 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रत्यक्ष लाभ पाने वाले कितने लोग हैं, डाटा के अनुसार जो सेंट्रल के द्वारा दिया गया है? तो ऐसे लोग कितने हैं? तो ऐसे लोग जो है वो 32 करोड़ है। ये डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में डाटा आपसे डायरेक्ट कितने बार पूछा है एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक राजनीतिक नेता है, एक लीडर है जिनका नाम क्या है? राजशेखरन, जिनका निधन 13 अप्रैल 2020 को हो गया था। आपको वो बताना है वो किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से। किस पार्टी से? INC यानी कांग्रेस पार्टी से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीटर बोनेटी, बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल के जगत का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्लब के लिए फुटबॉल खेलते थे, ये आपको बताना है। तो जो पीटर बोनेटी थे वो चेल्सा क्लब के लिए, चेल्सी के लिए जो है वो फुटबॉल खेला करते थे। बहुत बड़ा नाम है चेल्सी क्लब, अपने आप में फुटबॉल में आप सभी ने नाम सुना होगा, डोबरा वगैरह जो फेमस प्लेयर है वो भी इस क्लब के लिए ही खेलते हैं। और एक बात, ये तो बात हुई क्लब की,
ये किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो ये बहुत अच्छे गोलकीपर थे। किस कंट्री के? इंग्लैंड के। और इंग्लैंड का पीएम कौन है? अभी बोरिस जॉनसन, जिनको कोविड 19 हुआ था और सीरियस केस में पहुंच गए थे, लेकिन अभी वो ठीक हो गए, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इंग्लैंड का राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। कर्नाटका बैंक का तो ये बनाया गया है किसे एमडी और सीईओ? महाबलेश्वर एमएस को। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो है बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड 19 महामारी प्रबंध करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता के उद्देश्य से एक बाहरी सलाहकार समूह के आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 11 अन्य लोगों के बीच आईएमएफ द्वारा किसे चुना है? तो ये चुना गया है आपका रघुराम राजन को, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता है, इतने काबिल पर्सन, जब ये गवर्नर थे, राज्यपाल थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हुआ और ये हट गए, लेकिन हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोगों को उनकी काबिलियत के अनुसार पर उनके कार्यकाल को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये अमेरिका के लिए काम किए, और भी इतना बड़ा संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको साइन किया है, तो भारत क्यों नहीं रख सकता है इनको अपने पास? मुझे ये लॉजिक कभी कभी समझ में नहीं आता है। पॉलिटिक्स को साइड कर कर भी आप इनको अपने पास रख सकते हैं, अगर देखो बहुत काबिल पर्सन है, बहुत काबिल, इतने काबिलियत इनके अंदर, क्या बोलूं, आप इनके बारे में पढ़ना जानना। मुझे लगता है सरकार को भी कहीं ना कहीं भारत में बहुत अच्छे पोस्ट इनको देना चाहिए, लेकिन वही बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में लोग दूसरे विरोधी पर्सन को देखना नहीं चाहते, वो लाख अच्छा काम करे लेकिन उनकी लोग बुराई करेंगे, अपने दल में देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन इनकी काबिलियत के नज़र में रखते हुए आईएमएफ ने जो है इनको चुना है। अमेरिका में भी रह चुके हैं, अमेरिका वाले भी इनको उठा कर ले गए थे, यानी अमेरिका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ले, लेकिन भारत इनकी काबिलियत को अब भी नहीं समझ पा रहा है, तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सोचने की बात है। अगर बात करूँ आईएमएफ के प्रेसिडेंट, सभी को पता है, और आईएमएफ का गठन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। ये डेट आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आपसे डेट पूछता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त मंत्री युवराज खाटीवाड़ा द्वारा समन्वित सिफारिश समिति पर नेपाल केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका नाम है महाप्रसाद अधिकारी, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, नेपाल ऑफ सेंट्रल बैंक के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो किसे चुना गया है? तो आप क्या बोलेंगे? महाप्रसाद अधिकारी को। अगर नेपाल की बात करें, नेपाल के पीएम कौन है? तो सभी को पता है खटका प्रसाद ओली, सभी जानते हैं ना, केपी शर्मा ओली। और अगर बात करें नेपाल का राजधानी, तो काठमांडू। नेपाल का मुद्रा, नेपाली रूपी इस्तेमाल करते हैं नेपाल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के विकास का अनुमान, यानी इंडिया का जो ग्रोथ है ना, उसका जो प्रेडिक्शन लगाया गया है, किस बैंक के अनुसार, किस संस्था के अनुसार, कि इंडिया का जो विकास दर रहने वाला है वो 1.5% से 2.8% तक रहेगा, जो बहुत बहुत कम है। और ये अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास। और वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? 1944 में। और एक बात, वर्ल्ड बैंक कितना रुपया दिया है कोविड 19 से लड़ने के लिए? तो $14 बिलियन, ये याद रखना, सबसे बड़ी रकम वर्ल्ड बैंक ने ही दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान आवश्यक वस्तु की कमी का सामना करने वाले गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से एक फूड बैंक जो है वो शुरू किया गया है? फूड बैंक शुरू किया गया है कौन से राज्य के द्वारा, ताकि गरीबों तक हर एक सुविधा जो है वो पहुंच पाए इस कोविड 19 के महामारी में? तो ये स्टार्ट किया गया है आपका मणिपुर के द्वारा, और मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरन सिंह, राजधानी इम्फाल। और राज्यपाल कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा नेशनल पार्क है
जो जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध सुविधा बन गया है। यानी अब जानवर को भी क्वारंटाइन रहने के लिए एक ऐसा नेशनल पार्क बना दिया गया है। किस नेशनल पार्क को कन्वर्ट कर दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर में, तो वो नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट, जो बहुत पुराना भारत का नेशनल पार्क है। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैपिटल देहरादून, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखते हुए नागरिकों को दैनिक आवश्यक वस्तु बेचने के उद्देश्य से कितने रिटेलर दुकान को स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसको नाम दिया गया है आपको सुरक्षा सेंटर। तो ऐसे कितने लाख, तो 20 लाख सेंटर ऐसा खोला जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे जितने भी लोग हैं जिनको जो सामान चाहिए, जरूरी सामान चाहिए, वो उनको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 16 अप्रैल का। इसका पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, वहां से भी आप सभी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। अपना ख्याल रखना, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी। ठीक है।